के लिए है, और ये जो लेडीज लोग का है इसके पीछे होता है, और इधर गाड़ियां खड़ी है। तो थोड़ा सा व्यू आपको मैं गाड़ी में से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये है आग जलाने वाला, ठीक है। ये खदामा निकल रही है देख सकते हैं, और वो उनके घर में जो फिलिपिनी होती है काम करने वाली, ये जो आपको दिख रही है कोई छोटी सी, ऐसा लग रहा है कोई बच्ची आ रही है, लेकिन वो बच्ची नहीं है और वो बड़ी है, आ रही होगी कोई काम होगा, चाहे कुछ पूछने कुछ ले जाने। ये यहाँ पे ये नौकरानी होती है सब वो है, और अंदर एक और लड़का है इंडिया का ये, हालांकि उसको मैंने बोला है वीडियो। दोस्तों अगर जो आप कुवैत में हैं तो आपको तो पता होगा, गल्फ में कहीं भी आप रहे तो आपको पता होगा, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो लोग आने वाले हैं या फिर आने के लिए सोच रहे हैं, या फिर कुवैत का नजारा देखना चाहते हैं, घर कैसे होता है, यहाँ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, यहाँ का बनावट कैसे होता है, उनके लिए है। एक जगह मैं आया हूँ, मेरे कपिल का जो बाप था यानी उसके पिताजी थे, उनकी तीन वाइफ थी, तीन वाइफ में से एक वाइफ का जो है लड़का घर बनाया है थोड़े दूर पे, और काफी पुराना घर है, लेकिन आज यहाँ मैं पहली बार आया हूँ। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा लगा व्यू, इससे अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे घर है, लेकिन आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा वाला है, अगर जो आप पहली बार देख रहे हैं चैनल पे, नए हैं पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इस टाइप की वीडियो मिलती रहेगी कुवैत से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ कि कैसे कैसे यहाँ पे घर होते हैं, क्या होते हैं, किस डिजाइन के होते हैं और क्या बैठने वाला तरीका होता है। हालांकि अंदर मुझे अलाउ नहीं है, लेकिन मैं बाहर से आपको दिखाऊंगा छोटा सा व्यू और बता दूंगा, इतने ही आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे पीछे दिख रहा है आपको, ये है वो घर और ये है इसका डिजाइन। अब आपको मैं पीछे का कैमरा चालू करके दिखाता हूँ, रोड है और ये पीछे है पुलिस स्टेशन और ये है घर। ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा, ये एक तरह से इधर जो है ईंट से जोड़ करके, और ये एक टेंट का बना हुआ है, लाइट लगा है, बहुत बड़ा है, आई थिंक मुझे लगता है 30x20 का होगा, इसमें जेंट्स लोग बैठते हैं। ये खिड़की लाइट देख सकते हैं, और ये पीछे उसके घर है, और ये जो आपको दिख रहा है पूरा बाउंड्री टाइप का पेड़ लगा है, इसमें गाड़ियां खड़ी होती हैं, और ये देख सकते हैं क्या पड़ा हुआ है, ये कंकड़, ये जो सड़क बनाने में काम आता है वो पड़ा हुआ है, ताकि जो है इसमें गाड़ी का टायर धंसे ना, क्योंकि जब बारिश हो अगर होता है ये नीचे रंबल है इसके लिए। तो और ये रहा आगे का व्यू, देख सकते हैं आगे का व्यू, इधर से जो है कि आपको अंदर जाने के लिए मिल जाएगा। ये जेंट्स के लिए है, और ये जो लेडीज लोग का है इसके पीछे होता है, और इधर गाड़ियां खड़ी है। तो थोड़ा सा व्यू आपको मैं गाड़ी में से दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये जो दिख रहा है आपको, ये है आग जलाने वाला, ठीक है। ये खदामा निकल रही है देख सकते हैं, और वो उनके घर में जो फिलिपिनी होती है काम करने वाली, ये जो आपको दिख रही है कोई छोटी सी, ऐसा लग रहा है कोई बच्ची आ रही है, लेकिन वो बच्ची नहीं है और वो बड़ी है, आ रही होगी कोई काम होगा, चाहे कुछ पूछने कुछ ले जाने। ये यहाँ पे ये नौकरानी होती है सब वो है, और अंदर एक और लड़का है इंडिया का ये, हालांकि उसको मैंने बोला है वीडियो बनाने के लिए, बोल रहा है भाई काम है, अंदर बैठे हैं सब। तो ये होता है, और ये इसमें अभी काम करती हैं सब, खाना बनाती हैं और बहुत कुछ करती हैं सब। तो ये जो होता है इनका, ये ऐसे ही होता है। अब देखिए वो आई, उसको भी बुला के ले जा रही, उसका जो है ड्राइवर है, और कुछ काम, कुछ सामान लाना होगा चाहे उतारना होगा, तो भेजते हैं सब उतारने के लिए, ले जाने के लिए। तो वो कुछ बोल रही है कि मुझे नहीं पता, हालांकि उनकी बातें मुझे नहीं सुनाई दे रही है, फिर भी वो कुछ बोल के चली गई। अब वो बोल रहा है कि ठीक है देखते हैं, मुझे नहीं पता, अब इशारे से समझ सकते हैं क्या बात हो रहा है। और कुछ ड्राइवर इसी के पीछे जो है कि अपना पूरा सैलरी कमा देते हैं, हालांकि ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप कमाने आए हैं। तो एक ये घर हो गया, ये जेंट्स के लिए है, और ये एक और है, दो ड्राइवर लोग हैं, एक दवनिया का काम करते हैं, एक ड्राइवर है भाई साहब। तो यहाँ पे ड्राइवर है, ये जो आपको दिख रहे हैं काले वाले, ये ड्राइवर हैं, और वो जो है दवनिया का काम यानी चाय गहवा बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों लोग यहाँ पे काम करते हैं, और ये घर होता है, इनकी गाड़ियां ये खड़ी है ड्राइवर भाई साहब की। हालांकि ये अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं ना, ये देखिएगा अभी चलेंगे, इनके चलने का स्टाइल देखिए देखिए देखिए, तो ये होता है, ठीक है। ये गाड़ी लेके जा रहे हैं, तो एक चीज आपको बताने वाला हूँ कि देखिए अभी ये भाई साहब थोड़े से जो है पैर इनका जो है कि एक्चुअली विकलांग है, पोलियो ग्रस्त है, लेकिन ये आ चुके हैं। अब सोचिए एक पैर से विकलांग है फिर भी यहाँ आ करके काम कर रहे हैं, तो आप चाहे कहेंगे तो आ करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। और ये कुछ ले जाके देने जा रहे हैं, ये अभी जो है हैदराबाद से हैं, और ये जो अभी गए हैं ड्राइवर जो विकलांग है वो अपने इंडिया यूपी से हैं, ये भी इंडिया हैदराबाद से हैं,
देखिए वो खदमा को फोन कर रहे हैं, कुछ सामान है लाया गया है, ड्राइवर भाई साहब लेके आए, अब वो आकर के ढूंढिए नहीं मिला है, अब यही सामान के लिए बोल रही थी, अभी लेके चले गए सब। हालांकि हमको बोले हैं सब कि अंदर जाके बैठ जाए, लेकिन मुझे इनके घर में जाके बैठना पसंद नहीं है, क्योंकि वहां पे ना मोबाइल, वो आराम से पागल की तरह चुपचाप बैठे रहो, चाय पानी पीते रहो, मुझे नहीं पसंद है। इसीलिए मेरी मैडम भी बोली अंदर जाके बैठ जा, फोन भी की थी, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मुझे इनके अंदर घर में जाकर बैठ के काम करना या कुछ भी करना पसंद नहीं है, तो मैं ज्यादातर बेटर रखता हूँ एक घंटा काम हो, चाहे आधे घंटे का काम हो, चाहे दो घंटे का काम हो, मैं गाड़ी में इंतजार कर लेता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाता हूँ। मुझे अंदर पता नहीं क्यों अजीब लगता है, और इनका जो कल्चर है वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, तो मैं ऐसे गाड़ी में बैठता हूँ। और मेरे घर पे भी मैं कभी अंदर जाके काम नहीं किया हूँ, ना दवनिया का ना कुछ भी। मेरे घर पे है लेकिन बहुत छोटा है, और उसमें कोई बैठता भी नहीं है, एक दो टीचर आते हैं बच्चों को उसी में बैठ के पढ़ाते हैं बस। मेरे यहाँ कोई चाय कहवा नहीं पीता है, और कभी मैं ये काम किया भी नहीं हूँ, एक साल से ऊपर मेरे को यहाँ होने वाला है। तो बस ये छोटा सा वीडियो था, और ये घर का टूर आपको दिखा रहा था, ताकि आप देखिए यहाँ पे लोग कैसे कैसे काम करते हैं, घर कैसे होता है, डिजाइन कैसे होता है, और इससे अच्छा अच्छा बेटर बेटर घर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कैमरे लगे हैं, आप मोबाइल से रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, कैमरा का बैन लगा जाता है, आपको ग्रामा आ सकता है, बहुत सारे नियम कानून है। यहाँ पे नहीं, मैंने पूछा है, वो ड्राइवर से बोला हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद बनाया हूँ वीडियो, बना लो। तो बना करके कभी भी आप वीडियो बनाइए कुवैत में है तो पूछ लीजिए, फिर बनाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। और अभी देखिए ये सामान पड़ा हुआ है, मैडम लोग का सामान पड़ा हुआ है, और आधा सामान लेके गई, अभी आधा इसी में पड़ा है, बाकी आएंगी तो अपना ले जाएंगी, चाहे हो सकता है कहीं और जाना हो। तो बस यही छोटा सा वीडियो था, आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे वीडियो के साथ, तब तक भी बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।